टुडे वी विल स्टार्ट रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 विच नेम इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो आपको सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज करने से पहले ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं। तो कॉन्ग्रेंट की डेफिनेशन होती है, टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रेंट इफ बोथ हैव सेम शेप एंड एरिया। सिंपली टू आइडेंटिकल थिंग्स आर कॉन्ग्रेंट। हम आसानी से ये कह सकते हैं कि दो एक जैसी चीज़ों को जो है वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहा जाता है। इनका शेप भी सेम होता है और इनका एरिया भी, मतलब दूसरे अल्फाजों में सेम चीज़ें। जैसे सपोज करें मैं आपको दिखा दूँ, ये दो पिंस हैं राइट, इनको हम क्या कहेंगे कि दीज टू थिंग्स आर आइडेंटिकल। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट स्टिक्स हैं राइट। सिमिलरली ये टेबलेट, दीज टू टेबलेट्स आर कॉन्ग्रेंट, बिल्कुल आइडेंटिकल है, इनकी शेप भी सेम है और इनका एरिया भी सेम है। तो आइडेंटिकल थिंग को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स कहते हैं राइट। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, उसमें मैं बताता जाऊँ। कॉन्ग्रेंट को जो है वो हम इस तरीके से शो करते हैं, दिस साइन रिप्रेजेंट कॉन्ग्रेंट। अब देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, सही है। अच्छा ये बात जहन में रखिएगा, जब भी इस तरह लिखा हो तो आप इसकी कोरिस्पोंडेंस जहन में रखिएगा। ए है तो ए जो है रिप्रेजेंट करेगा डी को, डी ई को और सी एफ को। तो आपको डायग्राम देखने की भी नीड नहीं होगी। अब इसमें क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ फाइंड करें इज इक्वल टू, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ जो है वो किसके इक्वल होगा। तो अब आप ये देखिए, एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेयर सी को राइट। अब इधर देखें सी, अब सी तो हम अननोन है, तो आपको पता है ट्राइंगल के ऑल थ्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप इनको ऐड करें, 120 प्लस 30 180 राइट। तो 120 प्लस 30 इज 150, 180 में से 150 को माइनस करें, यू विल गेट 30 डिग्री राइट। तो सी अगर 30 है ओके, तो सी का कोरिस्पोंडिंग क्या है आपके पास, एफ, ये एंगल भी क्या होगा बेटा 30 डिग्री राइट। ये 30 है तो ये भी क्या होगा आपके पास 30। इन ऑल थ्री एंगल का सम ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसका सी ऑप्शन सही है, क्लियर। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल एंड अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं फोर साइडेड फिगर, कहीं पर भी आप देखें फोर साइडेड फिगर को तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। और इसका सम ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री। किसके इक्वल होता है बेटा, 360 डिग्री। द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज 270 राइट। तो ये क्या है, रॉन्ग है, बिकॉज आपको पता है कि ट्राइंगल के ऑल थ्री एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सही है, ट्राइंगल इज सेड टू बी इक्विलेटरल इफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल, एंगल आर ऑफ द सेम मेजरमेंट। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल आर ऑफ द सेम मेजरमेंट, यस ट्रू। इसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। देयर आर टू राइट एंगल इन अ ट्राइंगल, फॉल्स, बिकॉज अगर दो एंगल का सम ही 180 है तो थर्ड एंगल फिर पॉसिबल नहीं है। फोर, इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस कहते हैं जिसकी टू साइड इक्वल होती है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरिस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल इन मेजर, यस। तो इसकी दो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे ये समझें आप, सॉरी ये ट्राइंगल अगर सपोज करें दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल, तो इसके ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, इस साइड के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसके ऑपोजिट ये, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे राइट। अच्छा अब नेक्स्ट वाला जो है वो देखेंगे आप, फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंसेस ट्रू सेंटेंसेस राइट। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ देन ए सी कोरिस्पोंड टू, आप कोरिस्पोंडिंग देखें ए सी, यहाँ पे देखिए ए सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे डी एफ को, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, डी एफ। सिमिलरली इन ट्राइंगल के एल एम कोरिस्पोंड टू ट्राइंगल पी क्यू आर देन एम के एल। अब आप इसको इधर देखिए,
RPQR, MKL। तो बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करना है आपको, RPQ। तो एंगल क्या होगा आपके पास, RPQ, ये कॉरिस्पॉन्डेंस हो गया आपके पास। इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल। अभी हमने बताया था आइसोसेलिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, तो इसके बेस एंगल जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे देखा अभी हमने ट्राइंगल बनाई थी ना, ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तो ये बेस, इनको क्या कहेंगे, बेस एंगल, ये इक्वल होते हैं। साइज इक्वल है तो इनके अगेंस्ट आइसोसेलिस ट्राइंगल में एंगल भी इक्वल होंगे। इफ़ द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 डिग्री, देन द ट्राइंगल इज, आपको पता है वो कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 हों तो ऑब्वियसली तीन एंगल सेम है, तो इनके ऑपोजिट साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो ऐसी ट्राइंगल को क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। इन अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सी होती है जिसका वन एंगल 90 डिग्री का होता है, साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड, आपने पढ़ा होगा, देखें अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 90 डिग्री, इसके सामने ऑलवेज जो साइड होती है दैट इज हाइपो, क्या होती है वो हाइपो, इस साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस या हाइपो शॉर्ट में, इज कॉल्ड हाइपो, हाइपोटेन्यूस पूरा लिख दीजिएगा, ये हाइपो लिख दीजिए। द सम ऑफ द मेजर ऑफ अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज, अक्यूट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल, इसका सम हमेशा क्या होता है, 180, किसी भी ट्राइंगल का सम हमेशा ऑलवेज क्या होगा, 180 होगा। राइट एंगल का मतलब है उसका वन एंगल 90 डिग्री का है, तो अदर टू एंगल जो है वो जो होंगे वो 90 से लेस होंगे, अक्यूट एंगल होंगे, लेकिन सम तीन ऑल थ्री एंगल का क्या होगा, 180 डिग्री। अब देखें, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, इन सर्कल द कॉरिस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए बी सी डी फॉर करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सफिशियंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ टू ट्राइंगल। टू ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी के लिए चार टेस्ट होते हैं, नंबर एक साइड साइड साइड, मतलब ऑल थ्री साइड, तो दूसरे की भी थ्री साइड के इक्वल हो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड वन एंगल इक्वल हो तब भी ट्राइंगल क्या होती है, कॉन्ग्रेंट होती है, ओके, एंगल एंगल साइड। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है RHS, ये 90 डिग्री ट्राइंगल के लिए राइट एंगल, हाइपो और एक साइड, अगर ये चार में से कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि दो ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। अब देखें आप इसमें क्या है कि वो बताना है जो कॉन्ग्रेंट नहीं है, आपको पता है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल एंगल, दो एंगल और वन साइड अगर इक्वल हो, ओके, हाइपो साइड अगेन हाइपो, तो एक ही साइड दो दफ़ा रिपीट नहीं हो सकती, तो ये कंडीशन क्या है, सफिशिएंट नहीं है। ऑल थ्री एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल, दूसरे की भी थ्री एंगल के इक्वल हो तो ट्राइंगल क्या होती है, कॉन्ग्रेंट होती है, राइट। सेकंड पार्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, देन द बाइसेक्टर ऑफ डैश एंगल डिवाइड द ट्राइंगल इन टू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, मतलब ये है सॉरी देखिए दिस इज ए दिस इज बी, अगर ये बेस एंगल सेम है, अगर अब यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, राइट, तो ये एंगल क्या है सी, तो ये दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बन गए, क्योंकि ये भी एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90, और ये जो अपर एंगल होगा ये इसको इक्वली क्या करेगा, डिवाइड, अगर ये टोटल 60 है तो ये क्या होगा, 30 और 30, राइट, तो एंगल सी को इक्वली डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना, तो किस एंगल को डिवाइड करेगा वो, यहाँ पे ए बी सी एनी वन ऑफ द, तो किसको करेगा, सी को, बिकॉज क्योंकि हमें गिवन है एंगल ए इक्वल टू बी, तो थर्ड एंगल को बाइसेक्ट करेगा। द डायगनल ऑफ अ डैश डज नॉट डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, रेक्टेंगल, आपको पता है रेक्टेंगल को अगर हम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ये देखें आप टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ऑब्टेन होती हैं। दूसरा क्या कहा है इन्होंने, ये ट्रेपेज़ियम, ट्रेपेज़ियम देखें, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू ऑफ इट्स साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेज़ियम, सपोज करें ये, राइट। अब आप देखें, अब इसके डायगनल को डिवाइड करें तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल नहीं है, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, राइट। तो अगर हम ये डायगनल, डायगनल क्या होती है, लाइन विच ज्वाइन द ऑपोजिट वर्टिसेस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस,
सॉरी डायगनल राइट। अब आप यहाँ पे देखें तो अगर हम ट्रेपेज़ियम का डायगनल ड्रॉ कर रहे हैं तो दो कॉन्कॉर्डेंट ट्राइंगल ऑब्टेन नहीं होती। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, टू साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एंड इक्वल इन लेंथ होती हैं, टू पेयर ऑफ पैरेलल है, ये रखें ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल। अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो ये दो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्कॉर्डेंट हो गए। सिर्फ ट्रेपेज़ियम में स्क्वायर, स्क्वायर को भी देख लें, स्क्वायर की और साइड इक्वल होती हैं, ये इधर हम करेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्कॉर्डेंट। तो ट्रेपेज़ियम की कॉन्कॉर्डेंट नहीं होती राइट। अब आप क्या देखेंगे, हाउ मेनी एक्यूट एंगल आर देयर इन एन एक्यूट ट्राइंगल, तो कितने एक्यूट एंगल होते हैं, एक दो एक्यूट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल होती है ना, मतलब एक ट्राइंगल कोई सी भी बना लें आप, वो सारे एंगल क्या हैं इसके एक्यूट, इसको सपोज करें 80 का है, इसको क्या कहें आप 60 करें, 80 और 60 140, तो ये भी ये सारे तीनों एंगल क्या हैं एक्यूट हैं, तो इसलिए इस ट्राइंगल को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। थैंक यू।